प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों में बयानबाजी भी जमकर हो रही है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने 2 अगस्त की देर शाम पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता सरबजोत सिंह के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया और साथ ही पंजाबी में बोली पाकर ढोल की थाप पर डांस भी किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने कहा कि ये फक्र की बात है कि अंबाला का बच्चा पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर आया। वहीं मनु भाकर की भी पूर्व गृह मंत्री ने जमकर तारीफ की। वहीं अनिल विज ने कहा है कि हम खिलाड़ियों के लिए अच्छे स्टेडियम बना रहे हैं और आगे भी खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था देने की पूरी कोशिश करेंगे। फक्र की बात है कि अंबाला का खिलाड़ी ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में मेडल लेकर आया। ये अंबाले का, हरियाणा का, देश का मान तो है ही, परंतु अंबाला में ये जो उपलब्धि आई है, अंबाला का हर नागरिक, बच्चा बच्चा झूम रहा है, गा रहा है, नाच रहा है। मनु बिल्कुल मनु भाकर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 मेडल वो पहले ले चुकी है, कर रहे हैं और भी करेंगे, और मुझे पूरी सरबजोत से उम्मीद है कि अगले ओलंपिक में वो गोल्ड लेकर आएगा। वहीं ईडी की रेड की तैयारी वाले राहुल गांधी के बयान पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को रात 1 बजे भी ईडी के सपने आते हैं। जरूर कुछ न कुछ होगा, तभी तो राहुल गांधी को ईडी के सपने आते हैं। रात के 2 बजे भी राहुल गांधी जी को ईडी के सपने आते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा जो ईडी के सपने आते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं तैयार खड़ा हूं, अगर ईडी की टीम आएगी तो मैं उसको लजीज नाश्ता करवाऊंगा। ये कांग्रेस का किरदार है, क्योंकि रेड करने आई टीम को नाश्ता करवाना भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं करता। वहीं जाति पूछने के मुद्दे पर अनिल विज ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना की बात करते हैं, कांग्रेस हमेशा देश को धर्म के आधार पर बांटने की ही बात करती है। राहुल गांधी जी बार बार जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, वो इन जातियों की कर रहे हैं। वो जो सुरजेवाला जी ज्ञान बांट रहे हैं, वो इनके इन जातियों की कर रहे हैं। बताए राहुल गांधी कौन सी जातियों की बात कर रहे हैं, वो देश को क्यों बांटना चाहते हैं। पहले इन्होंने 1947 में देश को धर्म के आधार पर बांटा। देखिए, कांग्रेस ने 11 साल तक संगठन नहीं बनाया, ये आज उनके अपने नेता कह रहे हैं, तो क्या इसको पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। पार्टी के लिए नियमित तौर पर चुनाव करवाना आवश्यक होता है, कोई भी संस्था हो उसके चुनाव कराना आवश्यक होता है, और जिन पार्टियों के अंदर प्रजातंत्र नहीं है वो देश के प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। बहरहाल अनिल विज कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। प्रदेश कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि जो पार्टी प्रदेश में 11 साल तक अपना संगठन न पाए उसे पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है क्या। एक बात तो तय है, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर और आगे बढ़ेगा। सूर्या समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।